आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत सिविल अस्पताल कन्नौज में विशाल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक पंडित आशीष शर्मा द्वारा किया गया। तत्पश्चात सभी काउंटरों का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य मेले में SDM प्रिया वर्मा, तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पानिका उपस्थित रहे। मेले में आयोजन हेतु 24 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। मेले में समुदाय के प्रत्येक वर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच एवं उपचार, टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड, NCD एवं TV स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण, परिवार कल्याण परामर्श तथा स्वास्थ्य संबंधी आदि योजनाओं की जानकारी संबंधित को देते हुए विधायक आशीष शर्मा ने बताया, मकान जीने का सम्मान और चेहरे पर मुस्कान तभी होगी जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। मकान जीने का सम्मान और चेहरे पर मुस्कान तभी हो सकती है जब आदमी स्वस्थ हो। इसलिए गाँव, शहर जो लोग बीमार हैं, जिन्हें असाध्य रोग है, गंभीर बीमारी है, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशानुरूप इस तरह के स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का आयोजन किया। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। विभिन्न विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं। लगभग 100 तरह की जाँचें यहाँ पर हो रही हैं। 200 से अधिक प्रकार की दवाएं यहां पर मिल रही हैं। आयुष्मान कार्ड यहां पर बनाया जा रहा है। जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, नाक कान गला का परीक्षण किया जा रहा है, आंखों की जांच की जा रही है, एड्स की जांच की जा रही है, थायराइड हेपेटाइटिस बी जैसे जांचें यहां पर की जा रही है। जो मरीज चिन्हित किए जाएंगे उनका आयुष्मान भारत योजना में इलाज हो सकेगा तो वहाँ करा जाएगा। जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं है उनका इलाज मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। इन सब लोगों को स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति हो, इसलिए ये शिविर स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से यहाँ पर लगाया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।